हेलो सन मून एंड राइजिंग टॉरस वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टेरोड ये आपके न्यू uh, मंथ की रीडिंग है दिसंबर 2023 एंड दिस विल बी अ जनरल रीडिंग जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती हैं आपसे अपने मैसेज को कंसीडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो उसको सब्सक्राइब करें मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद अगर आपको मुझे पर्सन रीडिंग चाहिए तो भी आप उस मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं सी लेट सी के क्या मैसेजेस आते हैं इस बार भी मैं फर्स्ट वीक सेकंड वीक एंड थर्ड वीक रखूँगी एंड हैप्पी विंटर बिकॉज इन माय एरिया विंटर जस्ट स्टार्टेड ओके सो फर्स्ट वीक में टॉरस के लिए क्या मैसेजेस हैं सेकंड वीक में टॉरस के लिए क्या मैसेजेस हैं थर्ड वीक में टॉरस के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर मंथ ऑफ दिसंबर टू थाउजेंड फोर्थ वीक में मंथ ऑफ दिसंबर टू में क्या मैसेजेस हैं फॉर टॉरस्ट ओके, ट एंड नाइन ओके समथिंग एंडेड आपके लव लाइफ में कुछ एंड हुआ है या कोई साइकिल एंड हुआ है चाहे वो आपके फैमिली सिचुएशन में हो चाहे वो आपकी वर्क सिचुएशन में हो कोई चीज़ एंड हो गई है और बास में हुई है कोई चीज़ एंड आपकी कोई कमिटमेंट थी कोई मैरिज थी जिसको आपने एंड किया था अब अगेन से आपको मंथ ऑफ दिसंबर में उस पर्सन की तरफ से चांस मिल सकता है यहाँ पे लिटरली मुझे कमिटमेंट वाली एनर्जी नज़र आ रही कि अगर आप किसी पर्सन के साथ कमिटेड थे ओके okay, अगर नहीं भी थे तो आप उस पर्सन के साथ इमोशनली बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करते थे तो उस पर्सन की के साथ या तो आप सेकंड चांस लेना चाहते हैं या फिर वो पर्सन आपसे सेकंड चांस लेना चाहते हैं फर्स्ट वीक में आपके पास कॉन्फ्लिक्टुअल एनर्जी हो सकती है और सॉरी फर्स्ट वीक में आपके पास कॉन्फ्लिक्टुअल एनर्जी हो सकती है एंड uh, कुछ लाइक कोई मैनिपुलेटिव एनर्जी आपके अराउंड हो सकती है कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है कोई पर्सन आपके अराउंड है जो कि आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करता है या लोग आपको आप, आ, आपके पार्टनर के हवाले से मैनिपुलेट करते हैं या आपके पार्टनर को लोग आपके हवाले से मैनिपुलेट करते हैं तो ये इस तरह की मैनिपलेटिव एनर्जी या कोई कॉन्फ्लिक क्रिएट हो सकता है आपके या तो फैमिलीज में या फ्रेंड में या फिर आपके पार्टनर के साथ सो लेट्स बाई दिस फाइवर सोर्सेज हेयर वाई दिस फाइव ऑफ सोर्स फॉर टॉरस हेयर फर्स्ट वीक में थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी वाई दिस फाइव ऑफ सोर्स इज हेयर वाई दिस फाइव ऑफ सोर्स इज हेयर यहाँ पे फाइव ऑफ सोर्स क्यों हैं टॉरस के लिए फर्स्ट वीक में फाइव ऑफ सोर्स यहाँ पे क्यों हैं टॉरस के लिए टू सो यस कोई डिसीजन आपने लेना है आ, या कोई डिसीजन लिया गया है पहले पास में जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्स क्रिएट हो रहे हैं या आप उस जो डिसीजन आपने लिया था अब आप उस पर उस डिसीजन पे कोई आ, उस डिसीजन पे के हवाले से डिस्कशन कर कर सकते हैं अपने पार्टनर से या किसी से कन्फ्यूजन का शिकार हैं आप यस yes. लेकिन पूरी उम्मीद भी है कि चीज़ें बेहतर होंगी आपने पास में जो डिसीजन लिया था उस पर अगर आप कोई डिस्कशन करते हैं तो उस हवाले से कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकते हैं ठीक है, है? Um, आपके फैमिली में या फिर आपके पार्टनर के साथ सो सेकेंड वीक में आपके पास है टू ऑफ कप्स सो so, आपकी लव लाइफ़ में या तो कोई नया पर्सन आ सकता है या फिर आपकी लव लाइफ बेहतर हो सकती है आपके पार्टनर के साथ या फिर ओवरऑल सिचुएशन जो कि आपके इमोशनल रिलेशनशिप्स होते हैं उनमें आपकी सिचुएशन uh, जो है वो बेहतर हो सकती है अपने पार्टनर से या फिर आप um, अपने लव बॉन्ड को अच्छे अच्छा बनाने के हवाले से सोच सकते हैं इस दिस कॉन्फ्लिक्ट के बाद आपका एक बॉन्ड क्रिएट हो सकता है रीयून के चांसेस है सेकेंड वीक में आपके लिए वाई दिस टू ऑफ कप इस हेयर

ओके एस ऑफ कप्स यहाँ पे न्यू स्टार्ट है न्यू मोशंस का हीलिंग्स इमोशंस यस हीलिंग्स एंड इमोशंस आ रहे हैं यहाँ पर वी शुड नॉट टेक दिस दैट मच कार्ड्स हेयर ओके थर्ड वीक में आपके पास है um, पेज ऑफ़ पैंटिकल्स सो डेफिनेटली हो सकता है ये न्यूज़ आप अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ को सुना सकते हैं कि आपका आप रूनियन उस पर्सन से हुआ है जिसके साथ आप आ, थे और लाइक आप जिसके साथ रहना चाहते थे और या फिर किसी नए पर्सन की तरफ से भी ये कमिटमेंट ऑफ़र आ सकती है या फिर पर वो पर्सन आपको जस्ट एक फ्रेंडशिप ऑफर ऑफर कर सकते हैं किसी पर्सन की तरफ से फ्रेंडशिप ऑफर आ सकती है वाई दिस पेज ऑफ़ पेंडिकल इज़ हेयर ये yeah, आप उस पर्सन को जस्ट फ्रेंडशिप ऑफर कर सकते हैं व्हाई दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स इज हियर या आपको आपके पार्टनर की तरफ से कोई गिफ्ट uh, मिल सकता है या फिर कोई चीज मिल सकती है कोई चीज रिसीव हो सकती है टॉरस थर्ड वीक में व्हाई दिस थर्ड वीक इज यस आपके पार्टनर मुझे लगता है कि थोड़े से प्रोटेक्टिव रह सकते हैं वो आपको पूरी तरीके से कमिटमेंट नहीं देंगे जस्ट वो आपको फ्रेंडशिप ऑफर कर सकते हैं कमिटमेंट नहीं कमिट लव रिलेशनशिप तो आपका हील हो जाएगा लेकिन वो आपको uh, पूरी तरीके से कमिटमेंट नहीं तो कुछ ना कुछ सॉलिड बट लिटिल कुछ कम ही सही बट uh, वो आपको कुछ ऐसा uh, देंगे जो आपके रिलेशनशिप में बैलेंस ला सकता है बट वो आपको वो प्रोटेक्टेड साइड पे रहकर आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करेंगे क्योंकि वो पूरी तरीके से कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते सो so, यहाँ पे एंड ऑफ द मंथ में आपके पास है जस्टिस तो आपके साथ जस्टिस हो रहा है बैलेंस हो रहा है वाई दिस जस्टिस कार्ड इज हेयर पहले अगर आपके साथ उस पर्सन से जस्टिस नहीं किया था बैलेंस नहीं किया था तो अब वो आपके साथ बैलेंस करेंगे या आपकी लाइफ में बैलेंस हो रहा है पास से कोई आपकी लाइफ में वापस आ सकता है या तो वो कोई लिब्रा पर्सन है एंड ऑफ पेनफुल साइकिल या आपका कोई कोर्ट केस था तो आप उस कोर्ट केस को एंड कर सकते हैं लास्ट वीक में और यस यू कैन एंड दिस कोर्ट केस इन लास्ट वीक बट ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पेनफुल पेंस के साथ हो सकती हैं और आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ भी लेके आ सकते हैं और बैलेंसिंग आ सकती है आपके रिलेशनशिप में अगर कोई कोर्ट केस नहीं है तो आप लोग जस्ट अपने स्पेन फुल साइकिल को एंड कर रहे हैं और बैलेंस ला रहे हैं जस्टिस दे रहे हैं एक दूसरे को और या फिर आपके साथ ओवरऑल सिचुएशन में अगर लव लाइफ के हवाले से तो नहीं है कोई भी कोर्ट केस था या कोई को, किसी भी चीज़ में बैलेंसिंग नहीं थी आपके रिलेशनशिप्स में बैलेंसिंग नहीं थी आपके लाइक इमोशनल रिलेशनशिप्स जो होते हैं जिसमें फैमिली भी आ जाती है फ्रेंड्स भी आ जाते हैं तो आप उसको ओवरऑल बैलेंस करने की कोशिश करेंगे सो so, यहाँ पर देख लेते हैं कि आपके लिए एडवाइज़ क्या हैं टॉरस टॉरस के लिए यहाँ पे एडवाइजेस क्या हैं व्हाट आर एडवाइजेस फॉर टॉरस हेयर वर्थ वेटिंग फॉर डिवाइन टाइम इज एट वर्क इन योर लव लाइफ सो यहाँ पर अगर आपने वेट किया था इस पर्सन का तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा वर्थ वेटिंग था लेट गो ऑफ कंट्रोल इशूज अलाउ दिस सिचुएशन फुल नेचुरली सो जस्ट लेट थिंग्स हैपन इन नेचुरली ओके सो अगर आपने किसी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की है तो uh, आप उसे कंट्रोल ना करें क्योंकि आपने वेट किया है तो जस्ट जैसे चीज़ें होनी वैसे होने दें हो सकता है किसी फायर साइन के साथ आपका रियूनियन पॉसिबल है इंगेजमेंट यो लव लाइफ इस हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट सो यस एक लेवल से दूसरे लेवल पे जा सकता है आपका आ, ये रिलेशनशिप बट यहाँ पे आपको केयरफुल भी रहना हो सकता है कि हो सकता है कोई डिसप्टिव एनर्जी भी आ, आ जाए आपको अपने आप में क्लियर होना है कि आपको कौन सा पर्सन चाहिए हो सकता है कि आप पास्ट पर्सन और न्यू पर्सन में जो है वो दो लोगों में जगल कर रहे हैं तो आपको अपने आप में क्लियर रहना है कि आपको क्या चाहिए सो so, यहाँ पर मोनोलॉजी टेस्क देख, देख लेते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है वाट इज एडवाइस फ्रॉम द मेनोलॉजी टेस्क ब्रिंग लव into योर सिचुएशन तो इस सिचुएशन में आपको लव लाने की ज़रूरत है जो कि आप लेके भी आ रहे हैं सेकेंड वीक आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है योर ड्रीम नीड्स अ प्रैक्टिकल प्लान तो आपके जो भी ड्रीम्स हैं इस पर्सन के हवाले से उसमें आपको प्रैक्टिकल होके काम करना होगा तभी आपको आप अपने ड्रीम्स तक पहुंच सकते हैं सो so, uh, इसी प्रैक्टिकल प्लान के लिए आप जो है वो सेकेंड चांस लेने जा रहे हैं So that was your reading. If it resonates you please let me confirm in a comment below. Like my video, subscribe my channel, thanks for watching.